मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शहर के 60 वार्डों के पार्षदों सहित अन्य लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने के साथ ही टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करने पर 13 सेवाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर दुर्ग के डाटा सेंटर में बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री मितान योजना निगम क्षेत्र में शुरू की गई है, जिसमें महज चंद घंटों में लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। इसी कड़ी में शनिवार को दुर्ग के डाटा सेंटर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के सभी 60 वार्डों के पार्षदों को आमंत्रित किया गया। साथ ही इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आरएन वर्मा, सभापति राजेश यादव, निगम आयुक्त हरीश मंडावी, एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी, भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, एल्डरमैन रत्ना नाराम देव सहित क्षेत्रीय पार्षद शामिल रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा 1 मई से प्रदेश के सभी 14 निगमों में मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें कुल 13 प्रकार के प्रमाण पत्र घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, SC/ST जाति प्रमाण पत्र, OBC जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सुधार, विवाह प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीयन, नॉन डिजिटाइज्ड नकल, भूमि सूचना प्रमाण पत्र, इसी सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक जनों को टोल फ्री नंबर 14545 पर केवल एक बार कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके पश्चात मितान द्वारा घर पहुंचकर दस्तावेज प्राप्त किए जाने के बाद अधिकतम 10 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र घर पहुंचकर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित कर्मचारी अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही निगम द्वारा क्षेत्र के निवासियों से मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ प्राप्त करने की अपील भी की गई है। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम पार्षद नीता जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मितान योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य यही है कि निर्धारित समय सीमा में शासकीय सेवाओं को मितान के माध्यम से नागरिकों को घर तक पहुँचाना। इसमें लगभग 13 सेवाएं अभी चालू हुई है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, कुछ मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार हो, ऐसी 13 सेवाएं इसमें लागू की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि जनता को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। निदान के माध्यम से एक टोल फ्री नंबर 14545 दिया गया है, जनता उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करेगी, मितान उनके घर पहुंचेंगे और उस सेवा को घर पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। उद्देश्य यही है कि जनता को असुविधा ना हो, सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सुविधा, जवाबदेही की पारदर्शी प्रक्रिया, कि किसी भी प्रकार की किसी भी परेशानी किसी को ना हो सरकारी योजनाओं में। मुख्य उद्देश्य यही है पार्षदों को मितान योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देना, क्योंकि पार्षद वार्ड का प्रथम व्यक्ति होता है और पार्षद अपने आप में खुद बहुत मेहनत करता है, तो पार्षदों के माध्यम को जब जानकारी किसी योजना के बारे में होती है तो घर घर पहुंच के उस योजना के बारे में जनता को बताता है। और सबका उद्देश्य यही है कि आखिरी छोर के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचे। योजना निदान का मतलब होता है दोस्त, हम पब्लिक के दोस्त कैसे बने, इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है छोटे छोटे प्रमाण पत्र में, वो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तब तो इसका महत्व होगा, अन्यथा यह योजना खाली कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं, ऑनलाइन में चॉइस सेंटर जाना पड़ता है और वहाँ पर भी दूर खसोट की जाती है। ये सब परेशानी को दूर करने के लिए निश्चित रूप से यह योजना अच्छी है, लेकिन इसको फलीभूत होना आवश्यक है। न्याय की दृष्टि से लोगों को न्याय मिले, कानून बोलता हुआ दिखे, न कि कानून की दुकान खुले, इसलिए मितान योजना को लागू कर ने का उद्देश्य लोगों तक हम अपने उनको जो योजना है उसका लाभ पहुँचाते। मैंने अपनी मांग रखी है कि मितान योजना में
पार्षद से अच्छा मितान कोई नहीं हो सकता है। यहाँ पर 60 पार्षद और एल्डर मैन है, उन्हें यह जवाबदारी दी जाए। सुझाव दिया है कि पार्षदों को मितान बनाया जाए, पार्षदों से अच्छा मितान कोई नहीं हो सकता है। यदि किसी भी दस्तावेज को पार्षदों तक पब्लिक के दस्तावेज को भेजा जाता है तो पब्लिक स्वयं आकर अपने मोहल्ले से ले सकती है और उस योजना का लाभ पब्लिक तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने अपना सुझाव इस कार्यशाला में रखा है। विधायक महोदय और माननीय महापौर जी ने कहा है कि यह सुझाव बहुत ही सराहनीय है, तो निश्चित रूप से अगर यह सुझाव को अमल किया जाता है तो पब्लिक का इसका लाभ मिलेगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो परिकल्पना है, हमर सरकार हमर द्वार, इस योजना के अंतर्गत उन्होंने बहुत सी योजनाएं क्रियान्वित की है जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। नगरीय क्षेत्रों में उन्होंने मितान योजना का अभी हाल ही में शुभारम्भ किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पहले हम जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार के लिए और दुकान के पंजीयन के रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगमों के चक्कर लगाया करते थे। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सोचा कि हमारे क्षेत्र के हमारे प्रदेश के नागरिक इन सब कार्यों के चक्कर न लगाए, इसलिए 14 नगर निगमों में उन्होंने समय के अनुसार शासकीय काम करने के लिए मितान योजना का शुभारंभ किया। इसमें मितान नगर निगम के माध्यम से जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो नंबर इसमें दिया है 14545, इसमें जब हम कॉल करेंगे तो ये मितान हमारे निवास पहुंचेंगे और हमारे सारे दस्तावेज को देखकर और पूरा जो प्रमाण पत्र हम चाहते हैं 12 घंटे के अंदर हमारे घर में पहुँच जाएंगे। इससे अच्छी योजना मैं नहीं समझता कोई होगी। आज इसी संदर्भ में नगर पालिका के निगम के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें हमारे 60 वार्ड के पार्षद और जो सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि इस योजना को बहुत बारीकी से समझे और हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचाए। कहीं कोई फ्रॉड नहीं है। नंबर हम लगाएंगे टोल फ्री के माध्यम से, ये नंबर वहीं जाएगा जहां से कार्य संपादित होने हैं, इसलिए इसमें ना कोई फ्रॉड हो सकता और ना कोई गुमराह कर सकता। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।